हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई साहब यहाँ पर आप देख लो हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक साइकिल कह सकते हो। तो भैया मैंने आपको भी एक अपडेट दिया था कि भाई मैं इसमें कुछ अपग्रेड करने वाला हूँ या कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। तो भैया पहले हम थोड़ा बाहर चलते हैं, बाहर चलकर आपको दिखाऊंगा इस करने वाला हूँ। तो गाइस आज आपको व्लॉग काफी यूनिक मिलने वाला है, हमेशा की तरह खेल यूनिक मिलता है जो बात है। तो भैया हम इसे यहाँ रखते हैं, बस यहाँ रुक जा, बहुत है। हम करने के वाले हैं तो गाइस आज इसके हम अंजर पंजर सब ढीले करने वाले हैं, सारी वायरिंग सारिंग सारे मोटर वोटर इसका सब निकालने वाले हैं। खैर अपडेट तो गाइस आपको इसके समर एक्सपेरिमेंट में मिल ही जाएगी, बस इसका हम बनाएंगे क्या। फिलहाल गाइस आज इस वीडियो में हम इसकी सारी चीजें सारे वायरिंग हटा देंगे, जिसका गाइस हमें थोड़ी आसानी हो इसे बनाने में बाद में। तो चलो गाइस फटाफट शुरू करते हैं। तो भैया हमें थोड़ा बहुत कुछ औजार टूल टूल चाहिएंगे, कुछ हथौड़ा वथौड़ा कन्नी वन्नी मसाला फावड़ा तसला सब कुछ एक बार में ले लेंगे। कुछ टूल जैसे कि भाई प्लास हो गया, यहाँ रखते हैं इसे, और भाई हो गया कटर। वैसे मेरे पास दो दो कटर है भाई, वो खराब हो जाता है ना, ले लेते हैं। और भैया एलन की तुम जानती हो, भाई ये क्या है, एलन की भी चाहिए, ठीक है। और भाई ले लो एक स्क्रू ड्राइवर का सेट ले लो, बस हो गया। ये ले लो यार ड्रिल मशीन वाला है ना, इसमें मजा सा आएगा। दूसरी ड्रिल मशीन कहाँ है, वाह क्या आंसर दिया है, मैं ही घटा था, मैंने पूछा कि अरे दूसरी ड्रिल मशीन कौन ले गया यहाँ से। ओ ये रहा हवाई जहाज, ओ माय गॉड, इसके साइड में रखी है। अरे चलना रही हाँ चल गई। चलो भाई ये लो, वहां को रख दो साइड में, भाल लेके चलो फटाफट यहाँ से, यहाँ रहो फटाफट, टाइम ना है, उठा लो। ओ भाई इसको ड्राइवर जो कि गाइस बिल्कुल बेकार हो चुका है, बिल्कुल खराब। शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत करेंगे भैया इसको खोल कर, है ना, इसकी बैटरी सेट निकालेंगे, बहुत दिन हो गए यार, इसकी बैटरी सेट निकालेंगे। लो भाई ये रहा, ओ भाई साहब, हाँ भाई क्या चेंजेस करेंगे ये तो गाइस आपको जल्द ही पता लग जाएगी, मैं जल्द इस पर काम स्टार्ट कर दूंगा, यही कर दूंगी। मैंने किस्ते कैसे लगा देखी भाई, काम मजबूत क्या जो बात है, स्ट्रांग वाला, ये निकलेगा नहीं आसानी से, बड़ी दिक्कत है। सबसे पहले भाई इसकी पावर काट देते हैं यार, वरना दिक्कत हो जाएगी, भाई भ्रम भ्रम हो जाए। तो ये तो भाई वायर कट चुको है, और इसको अगर यहाँ पे भी निकाल दिया जाए तो मजा आ जाए, भाई निकले तो ये यार बड़ी दिक्कत है भाई, ज्यादा फंसा दिए दिखे मैंने। निकल गया भाई, सब चीज मैंने जो है ना यार जुगाड़ में लगा रखा भाई, सारी चीजें ऐसी परमानेंट कर दी है, यहाँ देखिए बिल्कुल परमानेंट जॉइंट लगाया जो बात है। और भाई ये जो लग रहा है ना, देखो ये है डबल साइड टेप चिपक चुकी है, इससे कभी आपको लगे लीक करके बैटरी नहीं, कोई बैटरी लीक नहीं करी है, ये सब डबल साइड टेप इस पर लगी है। पहले मुझे भी लगा था कि भाई बैटरी लीक तो नहीं करती, नहीं लीक नहीं करी है, ये सब डबल साइड टेप है, देखिए नीचे मैंने लगा रखी है डबल साइड टेप, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि भाई हम बीएमएस को निकाले इसके, क्योंकि इसमें बैटरी पैक निकाल देंगे ना तो भाई सबसे ज्यादा आसान यहीं पर रहेगी, और इसे निकालना और लगाना बहुत इजी है, लगता तो नहीं है, हाँ इजी है। अरे वाह कपड़े छुड़ा दी, थर्मल पेस्ट लगावा भैया, बाबू भैया थर्मल पेस्ट हाथ लगा था कुत्ते को लग गया मेरे हाथ पे, मैं घबरा गया, मैं कहा मिलता ही नहीं कहीं से भी। लो भाई अबे अब ताजा हो जा भाई, अबे यार बड़ी दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है भाई, मस्त। चलो भाई बैटरी तो गई भाई साहब, इसके अलग भाई बैटरी नहीं है, बैटरा है, पूरा बैटरा पैक है, तो इसे फिलहाल हम रख देंगे साइड में। गाइस अभी थंबनेल भी तो लेना है कि भाई मैं कर क्या रहा हूं, पता तो लगे फोटो में, कभी कभी ऐसी वीडियो बनाते हैं गाइस हम पता नहीं लगता भाई थंबनेल कैसे ले। तो भाई ये इसका कंट्रोलर, बड़ी दिक्कत है, सारे कनेक्शन हटाने तो आसान है, लगाने मुश्किल है, और मुझे तो भाई साहब हटाने मुश्किल लग रहे हैं, बिल्कुल सारा परमानेंट जॉइंट मार दिया, ये रस्ते भी थर्मल पेस्ट लग रहा होगा, देख रहे हो इसे यार साफ करना पड़ेगा भाई पहले अच्छी तरीके से, वरना यार ये सब जो ना गंदा हो जाएगा फार मामला। लग गया पहले से थर्मल पेस्ट को साफ करते, वरना भाई साहब ये हमारे दिल को छलनी छलनी कर देगा। कपड़ा मिल गया कपड़ा, ओ भाई लो फटाफट साफ करो, हमारे भाई बहुत मस्त आदमी है, तुम आदमी हो या औरत हो, नहीं भाई पुरुष नहीं है ना, तुम कह दो कि ये झूठ है, हाँ पुरुष है, इससे पता लगता कि ये है, वैसे आदमी मुंह से कहे तो लग ही जाता पता, मार साले का खोपड़ी तो। बहुत ही संस्कारी बच्चे है, बच्चे भी नहीं है, शादी होने वाली है इनकी, इनकी भाई 31 फरवरी में शादी होने वाली है, तो सबको आना है, पता आपको पता है, जगह भी आपको पता है, और वही है नहीं मालूम भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और 31 फरवरी को सबको भैया शादी में आना है, कोई बात ना भाई, ये फंस गया, निकालो तो फटाफट निकालो, और इन पर मार बजाओ 70 रुपए नीचे करो इन्हें, यार ये मैंने रोक तो रखे नहीं, और रहने दो भाई, रहने दो इन्हें, ऐसे रहने दो, ये नीचे जो ना मैंने एमसी लगा रखी है, मुझे भी नहीं दिख पाएगा, पता नहीं भाई दिख रहा नहीं भाई, एमसी लगा रखी है लेकिन अंदर, ओ भाई ये अंदर चले तो गए, हाँ ऐसे निकाल लो, देखो ये ढीला हो गया ना, लुल्लू था बिल्कुल, निकालो फटाफट, तुम तो काम के आदमी हो, सारी चीज निकालो फटाफट, लो अब करना क्या है यार, ये बड़ी दिक्कत है भाई, इसे कंट्रोल के सारे वायरिंग हटाना रेस किया ना, इसके अंदर डालना बॉक्स में, ठीक है। तो ये हो गया मोटर के बाहर, मोटर भी खोलना पड़ेगा भाई, काट डालो ये, अरे भाई साहब मोटर के वायर हम क्या कर सकती है, हम ये कर सकती है, हम काट सकती है, काट दो बस, कंट्रोलर को ऐसे ना देते हैं, पीछे की लाइट को भी सब काटेंगे यार, क्या बात करती तुमने, लो भाई पीछे की लाइट भी निकाल दी सारी, मोटर का वायर भी निकाल दे सारा, और भैया मोटर भी निकाल देते हैं, ओ भाई वो कहाँ है, वो रखी मोटर भी, अरे यार ये मुझे सबसे बुरा लगता है भाई, देख रहे हो, है वाह लाजवाब, बड़ी दिक्कत है यार, इतने सरदर्दी कौन ले रहे यार, हाँ भाई मुझे बहुत बुरे लगते हैं प्लस वाले जो होते हैं ना,
जब तक खोले जब तक मोटर अपना गिर ना जाए निकल कर, जबकि हमारा मोटर हमारे तरह थोड़ा सा बेहा है तो गिरेगा नहीं, लेकिन हम तो गिरते रहते हैं। लो भाई ये हो गया। तो हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया था गाइस, ये आपको पता अच्छी तरीके से स्पीड बढ़ाने में पूरा 100% सक्सेसफुल रहा, और क्या कहना भाई कामयाब रहा, हिंदी बोल लगा इंग्लिश बुलवा रहे तुम मेरे से। ये हो गया यहाँ तक ठीक, ये हम नहीं निकालेंगे। और लाइट कम निकाली दिया बार, ये रहा यहाँ से काट दो भाई से, कभी पैरों में लच के जो ना रसगुल्ला सा तोड़ दे हमारा। ये भैया आदमी बाई चांस नाले में गिर जा तो जामुन से घुल जाए। अब इसके अंदर जा रहे अंडरवियर वायर, देखो भाई साहब या अंडरग्राउंड जो भी है। देखिए ये हमने स्टिकर लगाए थे भाई, ए भाई पकड़ो आई मान लिया। सारी वायरिंग हटाने में यार जो मजा है ना वो लगाने में नहीं है भाई मजा, जो बात इसे कैसे करेंगे भाई, यहाँ से खोलने पड़ेंगे यार इसे, बड़ी दिक्कत है भाई। काम करते हैं इसे हटाएंगे ना सारे को तो प्रॉब्लम होगी, इन्हें ऐसे रहने देते हैं है ना, इसे ऐसे देते हैं बस, इनकी वायर हटा लेते हैं। देख रहे हो ये जो हमने वायरिंग कर रखी है ना, ये वायर हटा लेते हैं। ये एक काम करें निकाल लो यहाँ से सीधा, ठीक है ना। देखते भाई कौन कौन से वायर है, तीन वायर जा रहे हैं है ना, एक वायर तो अरे एक वायर तो अरे अरे यूरा ये तो भाई आसानी से निकल जाएगा। एक तो हो गया अलग जो कि है आई थिंक एक्सीलेटर का एक्सीलेटर, बड़ी दिक्कत पड़ेगी भैया जी, आई थिंक पता नहीं कौन सा है, बाद में देखेंगे भैया बाद में पता लगी, पहले तो मैं इसे कार्ड देते हैं फिलहाल, ठीक है बाद में देखते हैं किस चीज का है। ये हो गया ठीक है। और भाई ये बचा, ये कौन सा, इसमें भी लग रहा है सॉकेट कनेक्टर, कनेक्टर को निकाल देते हैं, ये रहा जिससे बाद में आसने में कनेक्शन करने में रेड और येलो देख इस तरीके से, ठीक है। तो तीनों वायर तो भैया हट गए हमारे, और यार बड़ी दिक्कत है ये कनेक्ट हो भाई ऐसे निकलेगा नहीं भाई, हमें पिनों को निकालना पड़ेगा पहले, बहुत ईजी निकल जाती है यार ये, दबाया और निकाल लिया अभी आसानी से निकल जाएगी। और भाई ऐसे हमने लगाई भी थी इसी तरीके से बिल्कुल लगाई थी, तो मैं बताऊंगा भी कैसे निकलती है। देखिए ये जो ये देख सकते हो ये जो एरिया है ये आपको दबाना पड़ेगा तो ये निकल जाएगी बहुत आसानी से, और ये हमने ऐसी लगाई भी थी। बस हो गया भैया यहाँ से इसे खींच देते हैं, अगर ये खींच जाए खींच रहा है। लो भाई हो गया, और इसे जो हम नहीं बांध देंगे भाई, हैंडल तो चाहिए ना चाहिए साइकिल में, बिना हैंडल कैसे होगा। जब देखेंगे जब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे कि हमें हैंडल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और नहीं तो भैया मैं ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगे हुए थे फिलहाल, तो मैं ऐसे लगा दूंगा उल्टी से, बाद में देखते हैं कैसे कैसे करना। गला गिरा रे ससुरे, ये तो ऑटोमेटिक लग गए, ये भी लग गए, चलो कहने जाने के हो गए थे यार। तो भाई ये बच्चा इसका कंट्रोलर, तो हम इसे फिलहाल ऐसे ही रह देंगे, हम इसके साथ और कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। ये भैया इसका चार्जिंग का सॉकेट, और ये भैया इसका की का, इसका ढक्कन ऐसे लगाते हैं ऐसे लगा हुआ। तो भैया अभी हमने क्या क्या निकाला है इसमें से, गाइस हमने मोस्टली सारी चीज निकाल दी है। कंट्रोल हम जब चाहे निकाल सकते हैं, इसे खोला ऐसे खोला कंट्रोल बहुत इजी इसका निकल जाएगा। मोटर हटा दिया है, सारे कनेक्शन हटा दिए। तो भैया इसमें करने क्या वाले हैं, भाई जल्दी आपको इसका अपडेट मिल जाएगा समर एक्स एक्सपेरिमेंट पर। कैसे समर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ऐसा। तो आवाज काफी ठीक है, थोड़ी भारी आवाज है, और गाइस ये बताइए कि आवाज किसकी है, जो समर एक्सपेरिमेंट पर लोगों की आवाज आती है वाली। समर एक्सपेरिमेंट तो ये किसकी आवाज है, कमेंट कर बताइएगा। और मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे सकता हूँ, मेरी एक टीम मेंबर है उन्हीं का है, और रिलेशन नहीं बताऊंगा वरना गाइस आप बिल्कुल डायरेक्ट समझ जाओगे, फिर क्लू थोड़ी रहेगा, फिर तो भाई डायरेक्ट समझ जाओगे, ठीक है। तो भाई जल्दी आपको स्पीड मिलेगी। मैं सोच रहा था काफी दिन से थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट लें, वैसे ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट हमारा रहा है। तो भैया अब इसमें थोड़े से हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, इसमें हम चेंजेस करने वाले हैं। तो भाई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का द एंड फिलहाल हो चुका है, लेकिन बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब क्या बनाएंगे इसमें चेंजेस करने वाले, जल्दी वो आपको मिल जाएगी समर एक्सपेरिमेंट पर। तो भैया आप लगा लो, देखते हैं कब आपको वीडियो मिलती है। दुनिया की सबसे सेफ जगह रखेंगे इस बैटरी को, क्योंकि भाई ये बैटरी तो भाई मैन है, और यार बड़ी मुश्किल से मिली है भाई साहब, बहुत सारी बैटरी खरीदवाई इन लैपटॉप की हमारी। तो आयो फ्रेंड्स ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज दोस्तों को लाइक करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को, और भाई जरूर बताइए ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। भाई बाय बाय करते हैं भाई के साथ, थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।